किसी का मुझे कॉल आया कि राजावाड़ी हॉस्पिटल में मॉर्चुरी में रखने के लिए पैसे लगते हैं क्या, यहाँ पे मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने पूछा तुमसे पैसे किसने मांगे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पोस्टमार्टम सेंटर में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर MOH है, वो डॉक्टर भार साखड़े, उन्होंने इनसे पैसे की डिमांड की कि आपको यहाँ पे अगर बॉडी रखनी है तो आपको 5,000 रुपये देने होंगे। तो पहले 7,000 की डिमांड की थी, फिर निगोशिएट करके 5,000 की डिमांड की, उनसे 3,000 रुपये लिए और कहा कि जब आपको बॉडी देंगे तब आप हमें 2,000 रुपये और दे देना। ऐसा करके उनसे 3,000 रुपये ले लिया गया और 3,000 लेने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं जगह पर डॉक्टर MOH डॉक्टर भार साखड़े को जाके जब मिला और जब मैंने इसकी जानकारी ली तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जी पैसे लिए हैं, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो वो चीज़ों का जब हमने जायज़ा लिया तो पता चला कि यहाँ पे इस तरीके का कारोबार चल रहा है। तब मैंने स्ट्रिक्टली उसके ऊपर एक्शन लेने की जब बात की तो उन्होंने वहाँ पे एक कांस्टेबल थे जो उसमें मध्यस्थी थे, उन्होंने और उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारी फैमिली है, हमारे परिवार है, गलती हो गई, हम इसके बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम इनके पैसे रिटर्न देते हैं। तो मैंने स्थानीय आमदार जी से जब मैंने उनके सामने बात की, उन्होंने जब बोला कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो जब मैंने कार्रवाई का एक्शन लेना शुरू किया तो वो और ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद बोला कि सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो कंप्लेनर थे
उनसे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने बोला कि सुशील जी गुप्ता जी जरा आप देखिए अगर इससे इसमें कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो ये बहुत मदद मांग रहे। तो मैंने बोला कि ठीक है अगर आपको कंप्लेंट करना नहीं है तो कोई विषय नहीं है, हाँ लेकिन ये दोबारा नहीं होने चाहिए। मैंने उनको वार्निंग दी वहाँ पे, मैंने कहा कि इस तरीके का कारोबार अगर किसी दोबारा कहीं देखने को मिला और सुनने में आया तो हम इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करेंगे। संतोष कुमार सिंह, क्या हुआ था सुबह आपसे, कैसे पैसे मांगे गए थे? पैसे इस तरह मांगे गए थे कि जब हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा और कहा कि हमें बॉडी कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि हम नहीं रख पाएंगे, हम बॉडी तुरंत सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद हमसे 5,000 का डिमांड किया गया, तो जब हमने नेगोशिएशन पे किया कि हमसे 5,000 नहीं होगा तो उन्होंने फाइनल प्राइस 3,000 पे किया और उन्होंने हमसे 3,000 रुपीज़ लिया। 3,000 कैसे लिया, क्या नोट था उसमें और किसके ज़रिए लिया? 100 रुपीज़ का नोट था, डायरेक्टली लेने से उन्होंने मना किया था, तो जो हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल आए थे उनके थ्रू उन्होंने लिया। पुलिस कांस्टेबल ने आपसे लिया और फिर क्या किया? उनको दिया। ठीक है, फिर अब आखिरी में आपके साथ क्या हुआ, जब आपके आपके साथ सुशील गुप्ता आए फिर क्या हुआ? ठीक है, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी गलती मानी, उसके बाद उन्होंने पैसे रिटर्न किए, उन्होंने अपनी गलती मांगी कि हमने पैसा लिया था 3,000 रुपीज़। ठीक।